अस्सलाम वालेकुम क्लास फाइव, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आपका चैप्टर है 9 कराटे पैरट। कराटे पैरट आपका चैप्टर है, इसकी मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ, रीडिंग आपने खुद करनी है। स्टोरी इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको आसानी हो। स्टोरी ये है कि बेटा एक समीर लड़का होता है, उसके ना पाँव पर चोट लगती है, तो वो एक कैफे में आता है, ठीक है। कैफे में आता है, कैफे में उसके दो दोस्त होते हैं, आदिल और बाबर, ठीक है। वो उनके पास आता है बड़ी मुश्किल से, उसके ना पाँव पर प्लस्तर होता है, ये देखें वाइट कलर का प्लस्तर भी है। वो आके बैठ जाता है तो उसके दोस्त कहते हैं कि हुआ क्या है तुम्हारे पाँव पर, क्या हुआ है? तो आगे से समीर कहता है मेरे पाँव पर चोट लगी है, और ये नाकाबिले यकीन स्टोरी है जो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम लोग यकीन नहीं करोगे। सारे दोस्त कहते हैं हाँ हाँ तुम बताओ। तो समीर कहता है पहले मैं कॉफ़ी पीऊँगा। फिर वो अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करता है। समीर कहता है मेरी बीवी को ना पालतू एक जानवर या परिंदा का शौक था कि मैं उसको लेकर पालूँ, तो मैंने उसको कहा हम तो फ्लैट में रखते हैं, वहाँ पर कैट या डॉग नहीं रख सकते। तो उसकी बीवी कहती है चलो ठीक है, वो जाकर पैरट खरीद लेती है। तो वो जो पैरट होता है वो कराटे पैरट होता है, ठीक है। दुकान वाला कहता है ये एक स्पेशल पैरट है, उस सारा उसकी बीवी होती है समीर की, ठीक है। सारा जाके ये देखे खरीद रही है ये पैरट, ये दुकान वाला है उसके पास खरीद रही है। तो दुकान वाला कहता है ये ना कराटे करता है, हर चीज़ को तोड़ देता है, तुम ले जाओ। ये बहुत खुश होती है, ये घर ले आती है सारा। समीर घर जाता है ना, समीर कहता है ये क्या बदतमीजी, ये तुम क्या उठा के लेके आई हो अजीब गरीब जानवर परिंदा सा। कहते ये तो इतना प्यारा परिंदा है, पैरट ये कोई आम नहीं है, कराटे करता है। तो समीर को इतना गुस्सा आता है, समीर कहता है अच्छा क्या कराटे करता है, चलो इसको कहो मेरे पाँव पर कराटे करे। ये ना समीर के पाँव पर कराटे करता है, तो समीर का पाँव जो होता है ना वो इतनी ज़ोर से ये मारता है कि समीर का पाँव ही टूट जाता है। तो इस तरह समीर के पाँव पर चोट लगती है, इस तरह समीर का पाँव ज़ख्मी हो जाता है, चोट लग जाती है। ये स्टोरी है बेटा, ठीक है। आप लोग सब याद कर लेना। अल्लाह हाफिज़।